पाकिस्तान सुपर लीग का है, जब वहब रियाज ने अहमद शहजाद को क्लीन बोर्ड कर देते हैं और फिर उसके बाद का सीन तो आप देख ही सकते हैं। नंबर सेकंड, ये इंसिडेंट 2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले वनडे मैच का है, जहां गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी आपस में भिड़ जाते हैं और गाली गलौज पर उतारते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम। नंबर 7, शार्दुल ठाकुर वर्सेस मोइसेस ऑनरिक्स। सब कुछ कह दिया बगैर कहे, आंखों ही आंखों में। नंबर 2, काइल जेमिसन वर्सेस नवदीप सैनी इन 2018 सेकेंड ओडीआई मैच। नंबर 5, सोहेल तनवीर वर्सेस बेन कटिंग। नंबर 4, तबरेज शमसी वर्सेस श्रीलंकन प्लेयर दाशुन सानका। नंबर 3, शापुर जदरान। नंबर 2, शाहिद अफरीदी वर्सेस जिशान अशरफ। एट नंबर 1, जसप्रीत बुमराह वर्सेस निरोशन डिकवेला इन 2017 T20 मैच।
contact and Malik did not take too kindly to whatever was said from Tino. But it's what happened after. Yeah, you can't do that. दोस्तों वीडियो को देखने से पहले इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं क्रिकेट में हुई 7 ऐसी हाई वोल्टेज फाइट्स जो शायद ही आपने पहले कभी देखी होगी, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 7 पर आती है एशिया कप 2014 की ये क्लिप, जहां सुरंगा लकमल और उमर अकमल आपस में एक दूसरे को कुछ कह देते हैं। उमर अकमल के इस एटीट्यूड को देखने के बाद श्रीलंकन कैप्टन कुमार संगकारा एम्पायर से शिकायत भी करते हैं। ये क्लिप तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2016 के एक मैच से है, जहां बॉलर साई किशोर बैट्समैन एन जगदीशन को आउट करके उनको धक्का मार देते हैं और इस पर रविचंद्रन अश्विन गुस्सा हो जाते हैं। और मैच के बाद साई किशोर सोशल मीडिया पर माफी भी मांगते हैं। ये क्लिप CPL 2016 के एक मैच से है, जहां बॉलर क्रिसमा संटोकी कुछ ज्यादा ही एग्रेशन में आ जाते हैं। नंबर 4 पर आती है वो अनसीन फाइट जो बिग बैश लीग 2016 में क्लाइंट मकाए और डैनियल क्रिश्चियन के बीच देखने को मिली। ये क्लिप बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच हुए टेस्ट मैच से है, जहां तस्कीन अहमद बॉल को लेफ्ट करने के बाद कुछ स्टाइल दिखाते हैं, जिस पर बॉलर मुजरबानी को गुस्सा आ जाता है और इसके बाद दोनों ही प्लेयर फिजिकल फाइट लेने को तैयार हो जाते हैं। मैच के बाद दोनों ही प्लेयर पर 15% मैच फीस का फाइन लगाया जाता है।
नंबर दो पर आता है डेविड वॉर्नर और रोहित शर्मा के बीच हुआ ये एंग्री कन्वर्सेशन जो ईयर 2014 में देखने को मिला। डेविड वॉर्नर का कहना था कि जब वो स्टंप की तरफ थ्रो मारते हैं तो बॉल रोहित शर्मा के पैर को टच कर जाती है, फिर भी वो रन भागते हैं और इसी के कारण दोनों प्लेयर के बीच में कहासुनी हो जाती है। दोस्तों आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि बॉल ने रोहित शर्मा के पैर को टच किया था या नहीं। ये क्लिप ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज के बीच हुए टेस्ट मैच से है जहां सुलेमान बेन की फाइट ब्रैड हेडन और मिचेल जॉनसन से हो जाती है और इसके बाद सुलेमान बेन ब्रैड हेडन को गालियां भी देते हैं। तो ये थी गाइस टॉप 7 हाई वोल्टेज फाइट्स। आपको कौन सी फाइट पसंद आई कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।